जय हिंद साथियों, बहुत जरूरी बातें हर रोज करने के लिए कितनी भी कर लीजिए कम है, क्योंकि देश की आज जो स्थिति है उस पर आपको और मुझे बार बार बात भी करनी है, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यानी कि सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। देश में आज जो स्थिति हो रखी है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार से देश में पहले 5 साल मोदी सरकार के किस तरह से गुजरे और जो अंधभक्तों की संख्या थी कितनी थी, किस प्रकार से देश में लोग सड़कों पे भी आए तो उनको देशद्रोही बताकर उनको टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, माओवादी और तमाम तरह की चीजें बता दी जाती थी। हमें हमारे देश प्रेम पर ना तो सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी सर्टिफिकेट देता है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इस बात को अपने अंदर डालिए, सीखिए इस बात को बोलना कि मुझे मत बताओ कि मैं क्या हूं। जो तुमने मुझे गद्दार कहा, जो तुमने मेरे राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया, तो तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं, क्योंकि देश का संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप उससे सवाल करें, और अगर आप पर कोई सवाल उठाए तो उसको वहीं पे चुप करवाए, क्योंकि इसी राष्ट्रभक्ति की अफीम से आज देखिए क्या हालात है। जब 7 साल पहले मुझे याद है मोदी जी इस तरह की बातें करते थे, अजब गजब की बातें, कि क्या आप चाहते नहीं कि ऐसा हो, तो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे हाँ या ना, जो भी जवाब होना था। आज कमाल देखिए, असम में जाते हैं और क्या कहते हैं, किसानों को बताते हैं पहले खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी, फिर बताते हैं खालिस्तानी षड्यंत्र के बाद बोलते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अब अंतर्राष्ट्रीय साजिश से होते होते अब इन्होंने क्या कह दिया, असम में आज कह रहे थे कि जो विदेशी ताकतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं हमारे देश की चाय को बदनाम करने के लिए। इसमें कोई सेंस लगा आपको, इसमें कोई तर्क है? नहीं है। लेकिन मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी केवल राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं। राष्ट्रभक्ति उनमें कितनी है वो ये बताए, अपने घर को छोड़ देना, अपने परिवार को छोड़ना, ये राष्ट्रभक्ति है। देश के लिए छोड़ा उन्होंने परिवार, देश के लिए छोड़ा अपनी पत्नी को, वो ये कहते हैं, ये राष्ट्रभक्ति है। ये राष्ट्र परिवारों से बना हुआ राष्ट्र है। आप जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में परिवार को कोई नहीं मानता, परिवार को जो लोग मानते हैं वहां पे हम सवाल उठाते हैं कि इनके यहाँ तलाक हो जाते हैं वगैरह वगैरह। और ये अपनी पत्नी को छोड़ के आए, और छोड़ी हुई पत्नी को क्या कहते हैं हमारे देश में आप जानते हैं, यानी कि उसका मान सम्मान नहीं रहता, लोग मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। आप मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय साजिश हो सकती है हमारी चाय को बदनाम करने की? पहले कह रहे थे हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारा धर्म खतरे में है। आप मुझे बता दीजिए कि आज आपका धर्म खतरे में है, या आपकी नौकरी खतरे में है, या आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है? ये आपको सोचने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक चीज बिल्कुल साफ है कि मोदी जी का ये नैरेटिव जो है सोशल मीडिया में बहुत हद तक टूट चुका है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पे अभी मैं देख रही थी कि जो ट्विटर की जो पॉलिसी डायरेक्टर है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की, महिमा कौल, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन किया है? क्योंकि एक हैशटैग था जो चलाया गया कुछ लोगों के द्वारा, और सरकार ने कहा कि जिस जिसने ये चलाया है, ये लिस्ट है 120 या 150 लोगों की, 150 हैंडल्स की, इनको आप डिलीट करिए, ब्लॉक करिए। ट्विटर ने पहले ब्लॉक किया, फिर जब बहुत हल्ला हुआ तो उन्होंने उस पे से ब्लॉक हटा दिया, उनको अनब्लॉक कर दिया। तो जानते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका अब उनका ही रुख कहूंगी, सरकार का मतलब है उनका रुख, है ना, क्योंकि मात्र एक ही तो व्यक्ति है इस सरकार में और वो है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी देश को कैसे चला रहे हैं या आप जानते हैं। जब खालिस्तानी साजिश की बात करते हैं तो खालिस्तानी साजिश को खत्म करने का आपके पास मादा है या नहीं? मैं सोचती हूँ कि मेरी सरकार है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दल की सरकार है, पर सरकार मेरी भी है, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं सरकार से सवाल करूं, इसलिए आपको अधिकार है कि आप इस सरकार से सवाल करें। लेकिन अगर खालिस्तानी साजिश होती है तो उसको हराने की, उसे दबाने की, उसे कुचलने की क्या हमारी सरकार के अंदर ताकत नहीं है? क्या हमारी सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 26 जनवरी को जिस प्रकार से जो भी लोग गए, दीप सिद्धू और एक और कौन था जो गया और चढ़ गया, कैसे गया आपने कैसे नहीं रोका? इसका मतलब है कि हमारी सरकार जो है वो षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मेरी सरकार इतनी कमजोर है। क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार कमजोर है? मानते हैं क्या? नहीं ना। सरकार हमारी, भारत की सरकार कभी कमजोर नहीं हो सकती। कोई भी विदेशी ताकत अगर हमारी तरफ आंख उठा के भी देखे तो हम सब अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गद्दार है ये, भारतीय जनता पार्टी के देशद्रोही हैं, जो बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो उन पर सवाल उठाता है वो गद्दार इसलिए है क्योंकि वो अपनी सरकार के साथ नहीं खड़ा होता। हम अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं, मगर वो ये लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर जहर फैला हुआ है, क्योंकि इनके अंदर जो नकारात्मकता है वो इसीलिए है क्योंकि आजादी के पहले से ये कोशिश करते रहे हैं कि हमें आजादी ना मिले, हम आजाद सांसें ना ले सके। इसी कारण आपको बता रही हूं कि अब जो जरूरत है वो ये है कि जब ये किसानों को आहत कर रहे हैं, किसानों को टारगेट कर रहे हैं, किसानों को दबाने कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप और मैं अपना अपना एक कर्तव्य समझ के, अपना धर्म समझ के बार बार अपनी आवाज उठाएं। हम किसानों के समर्थन में, अहिंसक मूवमेंट के समर्थन में अपनी आवाज उठाते रहें। जरूरत है, जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो संघी है ना, इन्हें नहीं पता कि अहिंसक क्या होता है। ये तो तिरंगे पे विश्वास नहीं करते और आज बता रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ। पहले तिरंगे का आप बताइए कि आपने सम्मान कब किया, इनसे ये सवाल करिए। आपको मालूम है इनके ऊपर 2001 में केस हुआ था, क्यों? इन्होंने किया था, किसने? संघियों ने, तीन युवकों के ऊपर, जो इनके आरएसएस के कार्यालय मुख्यालय नागपुर में घुस गए थे। और जानते हैं क्यों? वो नाराज थे कि आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता, किसी भी आरएसएस के कार्यालय में क्यों नहीं फहराया जाता। और 2001 में जब ये लोग घुसे तो संघ ने उनके ऊपर केस कर दिया कि ये यहां तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे, समझ गए आप। उसके बाद केस वो हार गए और इन तीनों युवकों को बरी कर दिया गया। इसका मतलब क्या कि आप तो विश्वास करते नहीं तिरंगे की, आप प्रवचन देंगे दूसरों को कि कैसे तिरंगे का सम्मान किया जाए, क्योंकि लोग जानते नहीं है कि आपने क्या किया। इनकी जो विचारधारा है वो है एक नेता एक विचारधारा, एक नेता एक विचारधारा और एक झंडा। झंडा कौन सा? इनके वाला भगवा, मतलब जो किसी और का अगर भगवा है उस पर भी विश्वास नहीं है, इनके वाला भगवा। ऐसे नहीं चलेगा देश। मगर जब ये देश के बाहर जाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि ये जो है ये बड़े सेक्युलर है, दिखाते हैं ये सेक्युलर ही दिखाते हैं अपने आप को कि हमारे लिए सब कोई बराबर है। वहां जाके खुद नहीं बताते कि मैं हिंदू हूं, नहीं बताते। अगर बताया हूं मोदी जी ने तो बताइए मुझे कहां जाके बताया कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व में विश्वास करता हूं। वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जब बाहर जाते हैं, तो भारत का प्रतिनिधित्व का मतलब है कि वो भारत के संविधान के हिसाब से अपना अपने को दिखाएंगे बाहर। और इसी वजह से कभी भी संघ जो है वो आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं गलत हो जाऊंगी तब बताइएगा। वो तड़ीवार को बनाने को तैयार हो जाएंगे मगर वो भगवाधारी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इस भगवाधारी को अगर बाहर भेजेंगे तो सवाल उठेंगे हमारे संविधान के ऊपर, हमारे निष्पक्षता के ऊपर, और उसे संभालना उसे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस चीज को भी समझें और इनसे सवाल करें। आप पीछे हट जाते हैं जब ये आपसे सवाल करते, पीछे मत हटिए। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है इनसे, ये जब सवाल करते हैं और इनको जवाब इन्हें देने हैं, सरकार में ये है, जवाब ये हमसे मांगते हैं और हम जवाब देते हैं, और हम इनको क्यों जवाब दें? लेकिन ये जो राष्ट्रभक्ति का इन्होंने जो अफीम चटा दिया है लोगों को कि जो भी इनसे सवाल करे वो राष्ट्रभक्त नहीं है। मोदी जी कौन है? कौन? कुछ भी नहीं है वो।
भाई एक गरीब घर के बेटे हैं जो प्रधानमंत्री बन गए, तो उनका सम्मान हम करते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, हम उन पर सवाल करते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं आपके और मेरे भी हैं। अगर वो गलती करते हैं तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, हमारे देश में इस तरह की चीजें ना करी जाए, हमारे देश में किस प्रकार से किया जाए, मगर सवाल आपके ऊपर उठाएंगे, उसका भी उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि अब समय बदल गया है, समय बदलना चाहिए, चीजें बदलनी चाहिए, उनको एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। मैं यहां बैठकर जो बातें कह रही हूं उसका कुछ मतलब होगा। मैं सड़क पे आपको शायद ना दिख रही हूं, लेकिन अगर मेरी सोच में वो सकारात्मकता है वो वहां तक पहुंचेगी जहां तक उसे पहुंचनी है, ताकि देश जो है वो मजबूत रहे। देश को तोड़ने वाली ताकतें कौन सी हैं, जिन्होंने कहा था कि वो हमें विश्व गुरु बना रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया, यही भक्त अंधे वाले जो बता रहे थे, पूरी दुनिया जो है वो डरती है मोदी जी से, डरती है। अगर डरती होती तो चाइना ने हमारे 20 सैनिक ना मारे होते और हमारे प्रधानमंत्री जी ये ना कहते कि हमारे यहाँ कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, वगैरह वगैरह। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं एक इलेक्शन कैंपेनर की तरह, जैसे स्टार कैंपेनर्स होते हैं ना हर दल के चुनावों के पहले, वो जाते हैं अब की बार ट्रंप सरकार करने के लिए, और जब उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो कहते हैं अरे विदेशी ताकतें, विदेशी ताकतें, उनसे हमें क्या लेना देना भाई, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो तुम उनको हैंडल करो, तुम हमसे क्यों सवाल उठा रहे हो कि हम क्यों उन पर सवाल नहीं उठा रहे। आपको बता दूं जो बात ये नहीं बता रहे आपको, पहली बात कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की, उनकी भांजी ने ट्वीट किया, और वो हिंदू हैं, उनकी भांजी हिंदू है, उनको कहा तुम्हें हिंदुओं से नफरत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ना बताने की जरूरत नहीं, मैं हिंदू हूं। तो हमें भी ये बताने की इन्हें जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं, ये पूछते रहेंगे, इनको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इन्हें बताने की ये जरूरत है कि हिंदू धर्म जो है वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, हिंदू धर्म के तुम जो है केवल तुम रखवाले नहीं हो, तुम उसे बचाने के लिए जा रहे हो, तुम अपने हिंदुत्व को बचाओ, हम अपने हिंदू धर्म को बचाएंगे, हमारा धर्म है हम अपने देश में प्यार भाईचारा रखें। जिन भगवानों की बात करते हैं जय श्री राम, हम जय सिया राम में विश्वास करते हैं क्योंकि हम परिवारों में विश्वास करते हैं। मोदी जी परिवारों में कहां विश्वास करते हैं, परिवारों में विश्वास करते तो जिस तरह से हाथरस की बेटी को बदनाम किया गया, जिस तरह से महिलाओं को बदनाम किया जाता है, जिस तरह से महिलाएं इनके ऊपर सवाल उठाते तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। इसलिए हमें सकारात्मकता ढूंढनी होगी, फैलानी होगी, ताकि सारे दल जो है वो एकजुट हो। एक और बात आपको आखिर में कहना चाहती हूं कि याद रखिये कि जिस तरह का नैरेटिव बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उससे लड़ने के लिए हमें अपने अपने अंदर भी इस बदलाव को लाने की जरूरत है कि हम एकजुट हों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको, जितने जाति धर्म समुदाय हैं सबको बांटा, केवल इनके जो हार्डकोर हिंदुत्व है, सेक्युलर वाले नहीं, सेक्युलर है, इनके कहने से सेक्युलर कोई गाली थोड़ी बन जाएगी। विदेश में जाके जब शब्दों का इस्तेमाल होगा तो सेक्युलर का मतलब सेक्युलर होगा, हमारे देश में भले ही सेक्युलर को गाली की तरह इस्तेमाल करें मगर मतलब थोड़ी बदल जाता है शब्द का, देशद्रोही देशद्रोही रहेगा, देशभक्त देशभक्त रहेगा, देश प्रेमी रहेगा, मैं देश प्रेमी हूं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को देश भक्त समझते हो, मेरे लिए देश प्रेम ज्यादा अच्छा है, उसका मतलब पेट्रियट, जान दे दूंगी अपने देश के लिए, जान दे दूंगी मगर अपने देश की आन बान शान पर आंच नहीं आने दूंगी। और देशभक्ति क्या है, देशभक्ति इनका वाला बता रही हूं कि हम हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म इनसे इनका कोई लेना देना नहीं, इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने हिंदू धर्म को, इन्होंने अपनाया है हिंदुत्व को, कह दीजिए मैं गलत बोल रही हूं, तो हिंदू धर्म हमारा है, हिंदुत्व इनका हो गया, क्योंकि हिंदुत्व में केवल राम भगवान होते हैं, उनकी पत्नी नहीं होती, हमारे लिए जय सिया राम होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों का मान होता है, हमारे लिए लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ सब होते हैं, और लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ हम पढ़ते लिखते हैं, इनके लिए पढ़ाई लिखाई नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप। इसलिए हमारे विपक्षी दलों को भी एकजुट होने की आवश्यकता है, जब आप समझ गए हैं कि आपका आपके बस का नहीं है कि इनके सवालों को आप हैंडल कर सके, आज आप इस बात को देख रहे हैं, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके नाम को सुनते ही ये बिलबिला जाते हैं, उनको मैं अपना नेता मानती हूं। क्यों, कोरोना के आने के पहले
138 करोड़ की जनता में उन्होंने कहा कि कोरोना आने वाला है, स्थिति खराब होगी। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी, संभलो। उन्होंने कहा लोगों के हाथ में पैसा दो ताकि इस तरह की चीजें ना हो। उन्होंने कहा किसानों से बात करो। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को मेरा समर्थन है, पीछे नहीं हटेगा किसान। वो उस व्यक्ति के साथ भी खड़े होने को तैयार है जिसने इनको वोट दिया, वो मेरा नेता। क्योंकि नेता वो होता है जो केवल ये नहीं देखता कि वोट किसने दिया, किसको दिया। जनता में जब कोई तकलीफ होती है वो उसके साथ खड़ा होता है। वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने एक अनपढ़ व्यक्ति भी, अनपढ़ मैं नहीं कहूंगी लेकिन पढ़ाई लिखाई दरअसल वो नहीं होती जो आप केवल स्कूल और कॉलेज में डिग्रियां हासिल कर देते हैं। मैंने भी बहुत सी डिग्रियां हासिल करी है मगर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को केवल वहां तक सीमित नहीं रखती। मुझे लगता है कि मैं आपसे भी सीखती हूँ, मैं अंधभक्तों से भी सीखती हूँ। उनकी सोच जो मुझे गलत क्यों लगती है, इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं सही और वो गलत। नहीं, कुछ चीजों में वो भी सही हो सकते हैं लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे उनके अंदर के जहर में वो बातें आजकल नहीं दिख रही जो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दिखाई देती थी। इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ। लेकिन आपसे जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अब हमें ये देखना है कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, आप अपना नेता खुद चुनते हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र को बनाए रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मगर इनके नेता हैं, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि भारत में दो पार्टी सिस्टम होना चाहिए अमेरिका की तरह। अमेरिका क्यों? हम हिंदुस्तान है भाई, हम अमेरिका क्यों बना रहे हो? है एक सड़क तो अमेरिका की बना नहीं पाए, जगह जगह पे पानी भर जाता है ना। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने हर पार्टी को जगह दी। जिस संघ को बैन कर दिया था 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने, जो गृह मंत्री थे, उसी गृह मंत्री को ये कितना मान रहे हैं जानते हैं? जो इन्हें थप्पड़ मारता है, याद रखिएगा इस बात को, जो इन्हें थप्पड़ मारता है, जो इन्हें दबाता है, जो इन पर सवाल उठाता है, ये उसको अपना भगवान भी मानते हैं, ये उसको भगवान मानते हैं और इसीलिए ये सरदार पटेल के सामने नतमस्तक होते हैं। ये है कारण। आप देखिए कि किस प्रकार से डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के सामने ये नतमस्तक हुए, क्योंकि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी इनके विरुद्ध पूरी स्ट्रैटेजी बनाया करते थे और ये जानते हैं इस बात को। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत कमजोर लोग हैं, कमजोर दिल के, लेकिन ये हमारे देश का हिस्सा है, हम इन्हें अपने देश का हिस्सा मानते हैं। ये जरूर लगता है कि सरदार पटेल ने अगर, और सरदार पटेल ने नहीं, नेहरू जी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर से बैन हटाया, उन्होंने हटाया। आज अगर नहीं हटाया होता तो आज इतना जहर हमारे समाज में नहीं फैला होता, इतनी नफरत ना फैली होती। मैं खुद, मुझे मुश्किल होती है अपने कुछ मित्रों से बात करने में क्योंकि उनके अंदर जहर भरा हुआ है समुदायों के नाम पर, धर्म के नाम पर, नहीं होती बात। इसलिए आपको कह रही हूं कि संभलिए, समय आ गया है कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया, कई दलों को पनपने दिया, इनको भी पनपने दिया, इसलिए क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन ये सबको खत्म करना चाहते हैं। ये आपका और मेरा काम है कि हर दल को समझाएं कि वो एकजुट हो जाएं। उनके पास नेता नहीं है, कौन सा नेता है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? वो इनको इनकी नानी याद दिला सकते हैं? मोदी जी के सामने खड़े हो सकेंगे? आरएसएस के सामने खड़े हो सकेंगे? अडानी अंबानी के सामने खड़े हो सकते हैं? बसप्पा मायावती जी वो तो पहले ही बैकआउट कर गए। शरद पवार कितने हद तक कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे कब तक कर सकते हैं? कितना, जिस क्षेत्र से आते हैं वहां तक काफी है। ममता बनर्जी कितने हद तक, कहां तक? बंगाल तक सीमित। अगर आप सीपीएम को देखें, अगर आप दक्षिण में जाएं, कितने लोग? एक व्यक्ति है ऐसा, एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति है राहुल गांधी। राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करा है इन्होंने, मगर केवल पप्पू 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 करके देश चला लिया क्या इन्होंने? सड़कों पे क्या आपने कभी इस तरह से लोग देखे, कभी देखा है इतना, इतनी नफरत अपने देश में? जो भी व्यक्ति 8-9-10 साल से ज्यादा का होगा वो बताएगा कि उसने इतनी नफरत नहीं देखी। लेकिन जिस, जो 7 साल पहले या 6 साल या 5 या 4 साल पहले पैदा हुआ, उसने सिर्फ ये नफरत देखी,
सिर्फ सड़कों पे लोगों को देखा है, इसलिए हमें एकजुट होना है। एकजुट होना है एक ऐसे नेता के साथ, एक ऐसे नेता के साथ, एक ऐसे नेता के पीछे, एक ऐसे नेता को सामने करके जिससे ये पार्टी डरती है। ये जानते हैं कि जब राहुल गांधी सामने आते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होते, तो ये गाली देते हैं। भाई अगर आपके पास जवाब होंगे तो आप गाली क्यों देंगे। मैं कई बार जब इन लोगों के साथ किसी जगह पे मेरे डिबेट होते हैं टीवी चैनल्स पे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये चिल्ला चिल्ली करते हैं और सब एक ही बातें बोलते हैं, सिर्फ एक ही बात। इनके पास कुछ नहीं होता बोलने का और ये गाली गलौज करते हैं। जिसके पास तर्क होंगे ना, जिसके पास शब्द होंगे, वो गाली तो देगा नहीं। इसलिए इस बात को भी समझना होगा कि और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से उत्तराखंड में आज हमने प्रलय को फिर बहुत करीब से देखा। जोशीमठ में वहां पे जो हो रहा था, जो हुआ, वो बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि वहां पे धौली गंगा एक नदी है, छोटी सी नदी है, जो उन छह नदियों में से है जो जाके गंगा में, माँ गंगा में मिल जाती है। और आपको बताऊं कि वहां पे धौली गंगा प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, और जानते हैं कि वहां पे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जो पानी था वो उफान पे आ गया, क्योंकि ये जो दो डैम बनाए जा रहे थे, धौली गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का, उसका बांध टूट गया और पानी एकदम जिस तरह से धड़धड़ाते हुए नीचे की तरफ आया, तो डर लगा कि क्या होगा। और चिंता की बात ये है कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 150 लोग बह गए, मंदिर बह गए रास्ते में, घर बह गए। कितना नुकसान हुआ अभी उसका अंदाजा लगाया जाएगा, मगर आज जो हमने देखा 2013 का के बाद आज देखा, और डर से सहमा हुआ था पूरा उत्तराखंड। जिन जिन की जान गई है उन सबको नमन करती हूँ मैं, उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जो बह गए हैं पानी में उनको बचा ले भगवान, उनके परिवारों के साथ उन्हें मिला दे। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में क्यों इस तरह का कार्य किया गया? क्या ये गुजरात है? क्या ये दिल्ली है? क्या ये महाराष्ट्र है? नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ हैं, ये इको सेंसिटिव जोन है, इनको हमें बेहद ही, ये बहुत संवेदनशील पहाड़ है, यहाँ पे बहुत ध्यान से इनको ट्रीट करने की जरूरत है। आप जो लोकल लोग हैं उनकी सुनते नहीं। ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के विरुद्ध 2019 में वहां के स्थानीय लोग माननीय न्यायालय के समक्ष गए इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, और आज आप नतीजा देख रहे हैं। दिल्ली से कोई ऑर्डर आता है और हमारे यहाँ वो इंप्लीमेंट होता है। हमारे यहाँ चार धाम रूट के नाम पर मजाक हो रहा है। चार धाम रूट बनाने का मतलब है कि आप पहाड़ों को काटें, और पहाड़ों को कैसे काट रहे हैं आप पहाड़ में ऐसे जैसे पहाड़ी होती है तो आपको, आप कम चौड़ाई की सड़क इसलिए रखते हैं पहाड़ों में, ये भी कारण है कि पहाड़ जो है उसकी जो स्लोप है वो ऐसे रहे, ऐसी खड़ी चढ़ाई ना हो जाए, क्योंकि ऐसे रहेगी तो पहाड़ से जो भूस्खलन जब होगा तो धीरे धीरे होगा और एकदम सड़कों पे नहीं आएगा, कभी बारिश आ गई या कोई बात ऐसी हो जाए, क्योंकि जो मिट्टी है वो ढीली है यहाँ की। जब आप सड़क को चौड़ी करेंगे तो आप बताइए ये पहाड़ ऐसे है तो यानी कि ऐसे हो जाएगा, समझ गए आप? तो जब ये ऐसे होगा तो क्या होगा, खड़ी चढ़ाई हो जाएगी और भूस्खलन से बहुत जान माल का खतरा हो सकता है। ये समझ में नहीं आता क्या सरकार को, अधिकारियों को? लेकिन क्या करें, जब केंद्र कुछ कह देता है तो हमारे जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब बिना दिमाग की, बिना अपने दूरदर्शिताओं की है नहीं, बिना अपने विजन की एक सरकार है। उन्हें लगता है कि अरे हम तो कम से कम मोदी जी के नाम पे लोगों को भ्रमित करके बेवकूफ बना के आ तो गए, और आज लोग जब उनसे कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं तो ये दे नहीं रहे हैं, जबकि लोगों ने इन्हें इसलिए वोट दिया था क्योंकि ऐसा लगा था कि ये बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि जब आपने केंद्र के में बैठने वाले प्रधानमंत्री जी के नाम पर अपने राज्य में वोट दे दिया,
अपने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया तो इसके नेता आपके लिए काम क्यों करेंगे? ये नेता जो है उनके लिए काम करेंगे जो केंद्र में बैठे हैं, यानी कि मोदी जी। और मोदी जी को देख लीजिए, आज साफ हो गया है कि वो काम किसके लिए कर रहे हैं। वो काम आपके लिए तो हार्डली कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सीधे अडानी और अंबानी के लिए। ये देश क्या चार लोगों से चलेगा, छह लोगों से चलेगा? चार पांच इंडस्ट्रियलिस्ट आप मिला लीजिए, उसमें अडानी अंबानी सबसे ऊपर रख लीजिए और मोदी जी उनके मैनेजर बन के काम करेंगे। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश आपका है, ये देश मेरा है। इस चीज को समझिए, अपने अपने देश पर अधिकार जताइए। मुश्किल ये है, हम सब कहते हैं कि जो राजनीति है वो गंदी होती है, इन ये आए या वो आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गए हैं आज ऐसा हो रहा है कल वो आ जाएंगे ऐसा होगा। नहीं, अपना अधिकार जमाइए, अपने अधिकार को जताइए। जताएंगे तभी तो आपका होगा देश। आप मुझे बताइए, आपका परिवार होता है, आपके बच्चे आपके ऊपर अधिकार नहीं जताते? बच्चे अपने माता, और हर कोई अपने कभी ना कभी तो बच्चा रहा होगा ना, अपने माता पिता पे हमने अधिकार जताए या नहीं? अपने माता पिता से ये अपेक्षा रखी या नहीं कि जो हम कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा? अपने घर पे कभी जो भाई बहन होते हैं उनमें झगड़ा हो सकता है, मगर बच्चे का माता पिता से नहीं हो सकता। बच्चे को तो पता नहीं है ना कि ये घर किसी और का भी हो सकता है, ये घर उस बच्चे का है। उसी प्रकार से ये देश है और हम सब भारत माता के बच्चे हैं, और हम भारत माता के बच्चों को अपने देश पर हक जताना है, अपना अधिकार जताना है, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे इन फासीवादी ताकतों से। जो आपको कहेंगे कि आप देशद्रोही है, आप उनसे सवाल करिए कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले। आप हैं देशद्रोही, क्योंकि आप मुझे मेरे देश में देशद्रोही बता रहे हैं। आप अपने राष्ट्रवादी पने को अपने पास रखिए, मुझे मत बताइए। मैं जानता हूं कि मेरा भारत मेरे दिल में है, मेरा भारत मुझ में है, क्योंकि हर बच्चे की आत्मा में उसकी माता होती है ना। तो आपके और मेरे मन में, मेरी आत्मा में भारत माता है, और भारत माता ही मुझे ये शक्ति देती है कि मैं बार बार आऊं आपसे इन बातों को करूं, वरना मुझे जरूरत नहीं थी। मैं अपने जीवन में बहुत आराम से जी रही थी, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि मैं अपने निजी जीवन को सार्वजनिक करती। इसका कारण है जब मैंने इस बात को देखा कि हाँ जरूरत है कि मैं अपने देश में अपने कर्तव्य को निभाऊं, क्योंकि मेरे देश ने मुझे सब कुछ दिया, मेरी माता ने मुझे सब कुछ दिया, मेरी भारत माता ने मुझे सब कुछ दिया। और आज मेरी भारत माता को बदनाम कर रहे हैं वो लोग जो इसी भारत माता के बच्चे कहते हैं स्वयं को, मगर इसी भारत माता के बच्चों को विभाजित करने में लगे हुए। कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे विभाजित हो, उसके बच्चे आपस में लड़े। चाहती है क्या कोई माँ? देखी है कोई ऐसी माँ जो चाहती है कि उसके बच्चे आपस में लड़े? तो वो जो ऐसा करता है वो गद्दार है भारत माता का। उस पर सवाल करना आपका कर्तव्य है, उस पर सवाल करे ना करे, मगर अपना अधिकार जताना सीखिए, अपना हक जताना सीखिए अपनी माता पे। और वो माता है भारत माता, याद रखिए, भारत माता मेरी है, भारत माता आपकी है, क्योंकि भारत माता मेरी आत्मा में है, मेरे दिल में है, मेरे मन में है, मेरे रोम रोम में है, मेरे कण कण में है, और वैसे ही आपके भी है। इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत माता की हमेशा जय होगी। भारत माता की जय, भारत माता जिंदाबाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, पेज पर रोक लगी हुई है, और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।